Hello everyone. In the previous classes, we have discussed regarding the budgeting. This budgeting is a part of the nursing management. So we'll start again and we have to revise the part of the budgeting in the previous classes. We can see here, budgeting, we have studied about the introduction and definition, meaning, principles of budget. Budgeting, purposes of budgeting, other purposes of budgeting, importance of the budgeting, then steps in budgeting process, budget as a tool for effective administration. So these all we have studied in the previous class, in the last class. So today we'll see the next topic is principles of budget. So it will be continuation of the topics is the principles of budget. So there are some of the principles of the budgets are, budget should be provide sound financial management by focusing on requirement of the organization. So budget ek financial management provide karata hai, sound financial management. हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को फोकस के द्वारा हम जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट होती है हम उसके को फोकस करते हुए हम साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बजट प्रोवाइड कराते हैं. बजट एक बजट होता है जिसको बजट के रूप में एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रूप में हम एक साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रूप में हम उसको प्रोवाइड कराते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द बजट. नाउ विल सी द सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ द बजट. बजट रिक्वायर दैट प्रोग्राम एक्टिविटीज प्लान्ड इन एडवांस. जो बजट होता है उसके लिए रिक्वायर होती है. क्या रिक्वायर होती है कि पहले से ही हमारी जो एक्टिविटीज हैं प्रोग्राम एक्टिविटीज हैं वो पूरी तरह से प्लान्ड हो. बजट रिक्वायर दैट प्रोग्राम एक्टिविटीज प्लान्ड इन एडवांस. So third principle is the budget should focus on objective and policies of the organization. Here is the budget mainly focusing on the organizational objective and policies. जो organization की जो objective होते हैं और जो policies होती हैं उनको focus करता है. Fourth principle है आपका setting budget target require adequate checks and balance against adoption of too high or too low estimation. So too high or too low estimation is the adoption. उसके अंदर हम against के अंदर we have to check the balance. Check करते हैं adequate checks करते हैं और balance कुछ उसके अंदर ये जो होता है setting budget target required. किसी भी budget target की setting की requirement के लिए require होता है कि उसके checks को देखना balance को check करना. ठीक है जो डिपेंड करता है आपका टू हाई और टू लो एस्टिमेशन. सो बजट मस्ट पीरियड मस्ट बी एप्रोप्रिएट टू द नेचर ऑफ द बिजनेस और सर्विस एंड टू द टाइप ऑफ बजट. सो बजट पीरियड मस्ट बी एप्रोप्रिएट टू द नेचर ऑफ द बिजनेस. इफ एनीबडी इज डूइंग द बिजनेस और एनी सर्विस एंड इफ एनीबडी इज फॉलोइंग द टाइप ऑफ बजट इट शुड बी डिपेंड्स ऑन द नेचर. नेचर शुड बी ऑन appropriate basis. So budget period must be appropriate for the nature of business and service and to the type of budget. मतलब ये क्या होता है कि जो budget period होता है वो mainly किस पे depend करता है कि business का nature किस तरह का है उसकी service किस तरह की है. ठीक है and किस तरह का budget है कितने type का budget है उस पे depend करता है. उस budget period को क्या करता है डिफाइन करता है. budget should ensure the most effective use of the scarce financial and non-financial resources. Scarce की हम लास्ट में बात कर रहे थे कि दुर्लभ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होते हैं उनको इफेक्टिवली यूज करने के लिए और बजट को इंश्योर करते हैं. इंश्योर द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ द स्केयर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज. सो बजटरी प्रोसेस रिक्वायर द कंसिस्टेंट डेलीगेशन फॉर विच फिक्स्ड ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू एलोकेटेड टू मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल फ्रॉम द फ्रेमिंग एंड एग्जीक्यूटिंग बजट. सो हियर बजटरी प्रोसेस रिक्वायर कंसिस्टेंट डेलीगेशन फॉर विच फिक्स्ड ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी एलोकेटेड टू द मैनेजर एट डिफरेंट लेवल फ्रॉम द फ्रेमिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द बजट. किसी भी बजट को ब्लूप्रिंट बनाने से पहले फ्रेम करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं उस कंडीशन में उसको कौन करता है
एक मैनेजर करता है, मैनेजर उसको अलोकेट करता है, इज ए पर्टिकुलर ए ड्यूटी और पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर जो किसी भी बजट को फ्रेमिंग करना, एग्जीक्यूटिंग करना, देन डेलीगेट करना, दीज आर द सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेलीगेशन का मतलब होता है कि दूसरे जो एम्प्लॉयज होते हैं या दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको अलोकेट करना, पहले खुद जिम्मेदारी लेना, हैंडल करना पूरे बजट को, फिर स्लोली स्लोली ऑन द डिपार्टमेंट वाइज एंड ही हैज टू प्लान फॉर द बजटिंग प्लान। देन बजटिंग शुड इंक्लूड कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स, एस्टेब्लिशिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर मैनेजरल डिसीजन एंड प्रोवाइडिंग ए क्राइटेरियन फॉर एवेल्युएटिंग मैनेजरल परफॉर्मेंस। इट डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजर, सो विच इज एवेल्युएटेड अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया एंड अकॉर्डिंग टू द मैनेजरल डिसीजन एंड सम ऑफ द रेफरेंसेस ऑफ द फ्रेम फ्रॉम द वेरियस डिपार्टमेंट एंड इट शुड बी कोऑर्डिनेटेड effortly. So this is the one of the budget. So budget necessitates a review of the performance of the previous year and evaluation of its adequacy both in the quality and quantity. So budget necessitates a review of performance of the previous year and evaluation of its adequacy both in quality and quantity. Depends on the budget jo depend karta hai wo hai uski quality and quantity. So it we have to evaluate the particular budgets in the previous year according we have to against of the previous year and we have to review the performance part of the budget and it should be required for the budget. So while developing a budget, the provision should be made for its flexibility according to the flexibility of the budget, and provision should be made. So when we are developing a budget, jab hum develop karte hain kisi budget ko, तो हम उसके लिए प्रोविजन बनाते हैं कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितने कितनी जरूरी है। देन उसके बाद है बजट इज ए प्रिपेयर्ड अंडर डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल ऑफिसर। जो बजट होता है वो डायरेक्शन और सुपरविजन, जो एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल ऑफिसर होता है उसके डायरेक्शन और सुपरविजन के अंदर प्रिपेयर होता है। सो बजट आर टू बी प्रिपेयर्ड एंड इंटरप्रेटेड कंसिस्टेंटली throughout the organization and the communication of planning process. In the planning process, when we are doing any communication within the organization, so we are the budget should be prepared and it should be interpreted consistently. So these all principles of the budget. So next we'll see the classification of the budget. So here we can see the classification of the budget, sections of budget. It has three sections. First section is the manpower budget, second section is the capital expenditure budget, and third section is the operating budget. So there are three budgeting sections. So we have to classify the budget in the three sections. So we will see that in the manpower budget. So what do you mean by the manpower budget? So budget include the wages and other benefits provided for the regular and temporary worker. And the worker is become regular, whether it is temporary. So it should be benefits and wages should be provided in the budget. So budget के अंदर क्या होता है कि जो मैन पावर बजट होता है, मैन पावर के अंदर चाहे वो रेगुलर हो चाहे टेम्पररी वर्कर हो, उसकी वेजेस होती है या कोई भी बेनिफिट्स मिलते हैं उनको वो बजट के अंदर प्रोवाइडेड होते हैं, तो मैन पावर बजट के अंदर। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट इज अ बजट इंक्लूड परचेजेस ऑफ द लैंड, buildings and major equipments of considerable expenses and long life. So it will be depends on purchases of land, buildings and major equipments of considerable expenses and long life. So depends on the capital expenditure budget. So operating budget. So what do you mean by the operating budget? Operating budgets, it includes cost of supply, minor equipments or repair and overhead expenses. So these all comes in the operating budgets. So next we'll see the types of budget. So types of budget ke andar there are 14 types of budgets. You have to see one by one here, like incremental budget, flexible budget, rollover budget, open-ended budget, fixed ceiling budget, performance budget, program budget, production budget, revenue and expense budget,
कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, जीरो वेस्ट बजट, सनसेट बजट, सेल्स बजट, कैश बजट. सो दीज ऑल 14 टाइप्स ऑफ बजट वी कैन सी इन द बजटिंग. सो हियर विल सी इन वन बाय वन इंक्रीमेंटल बजट, फ्लेक्सिबल बजट लाइक दिस. सो इंक्रीमेंटल बजट, व्हाट डू मीन बाय द इंक्रीमेंटल बजट? इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड चेंज इन द प्रेजेंट ऑपरेशन प्लस ए परसेंटेज इंक्रीज फॉर इन्फ्लेशन, ऑल ऑफ व्हिच इज एडेड टू प्रीवियस ईयर बजट. इंक्रीमेंट क्या होता है? इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि एवरी ईयर वी हैव टू प्लान द इंक्रीज द सैलरी और इंक्रीज द सम ऑफ द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द प्लान. So it is based on estimated change. This is the estimation part where the present operation can be done. Plus a percentage, we have to add some part of the salary or some part of the money or some part of the material and some part of the manpower. Increases for inflation, all of which added to the previous year budget. जो पहले budget होता है उसके हिसाब से धीरे धीरे वो इंक्रीज होता है, इंक्रीमेंटल होता है. फ्लेक्सिबल बजट का मतलब होता है इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल फाइनेंशियल प्लान ईच फॉर विच डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोग्राम एक्टिविटी. सो बहुत सारे सेवरल फाइनेंशियल प्लान होते हैं, बहुत सारे प्लान होते हैं जिनसे मिलकर के फ्लेक्सिबल बजट तैयार होता है ईच ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोग्राम एक्टिविटी, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी क्या होती है, रन आउट होती है. सो दिस इज द फ्लेक्सिबल बजट. सो रोल ओवर बजट के अंदर क्या होता है? रोल ओवर बजट के अंदर इट इज द वन दैट फोरकास्ट प्रोग्राम रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस फॉर पीरियड ग्रेटर देन ए ईयर टू अकोमोडेट प्रोग्राम दैट आर लार्जर देन एनुअल बजट साइकिल. रोल ओवर का मतलब होता है रोल ओवर की तरह. रोल का मतलब होता है किसी भी चीज को लपेटना, ओवर करना, उसके ऊपर लपेटते चलना चलना, रोल ओवर बजट. सो मतलब उन चीजों को आगे जो भी प्रोग्राम है और जो भी खर्चे हैं या जो भी उनके अंदर एक्सपेंसेस हैं उनके अंदर हम पूरा प्लान करते हैं एक साल में, उसके बाद उसको हम एनुअल बजट साइकिल के अंदर उसको तैयार करते हैं, अकोमोडेट करते हैं उस प्लान को. सो तो उसको कहते हैं रोल ओवर बजट. एक्स्ट्रा देन अदर थिंग्स कैन बी एडेड इन द बजट. सो नेक्स्ट विल सी द ओपन एंडेड बजट. हियर ओपन एंडेड बजट का मतलब होता है इट इज ए फाइनेंशियल प्लान in which each operating manager present a single cost estimation for what is considered optimal activity level of each program in the unit without indicating how the budget should be scaled down if less funding is available. jisme kya hota hai operating manager ke dwara hi financial plan ko present kiya jata hai. estimation jo hota hai wo ek single cost ke andar hota hai. दिस इज अ यूनिट में जो प्रत्येक प्रोग्राम है उसकी प्रत्येक एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए ये बजट तैयार किया जाता है. इसमें क्या होता है कि बजट शुड बी स्केल डाउन, ईच एंड एवरी बजट शुड बी ए प्लांट एंड विच इज आस्क बाय द एम्प्लॉय देयर वेलफेयर फॉर द फेवर ऑफ वेलफेयर. इफ लेस फंडिंग इज अवेलेबल इट शुड बी focus on that. So open-ended का मतलब होता है it should be planned budget which can be financial plan and which can be done by the operating manager. His estimation budget can be prepared and each program should be focus on the optimal activity without indicating how the budget should be scaled down. Less funding is available. जब funding बहुत कम होती है. Next है fixed ceiling budget. A financial plan in which uppermost spending limit are set by top executive, the unit and divisional manager develop budget proposals for their areas of responsibility. So fixed ceiling budget means a financial plan होता है every year plan. So जो spending limit होती है, सबसे ज्यादा जो limit होती है spending limit, उसको जो top executive होता है उसको set करता है. ठीक है, द यूनिट एंड डिविजनल मैनेजर उस बजट को प्रपोजल्स को डेवलप करते हैं. डेवलप करने के बाद उनकी उस एरियाज के अंदर एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है. कि फिक्स का मतलब होता है कि जो फाइनेंशियल प्लान है वो एक अपर मोस्ट स्पेंडिंग लिमिट होती है जो टॉप एग्जीक्यूटिव या यूनिट या डिविजनल मैनेजर के द्वारा वो तैयार होती है. ठीक है, ये दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी. देर आर द एरियाज ऑफ responsibility we can see here.
सो इन द परफॉर्मेंस बजट हियर, परफॉर्मेंस बजट वी कैन सी इट इज अ बेस्ड ऑन फंक्शन विच अलोकेट फंक्शन नॉट डिवीजन डायरेक्ट नर्सिंग केयर इन सर्विस एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड नर्सिंग रिसर्च. परफॉर्मेंस बजट का इट इज बेस्ड ऑन द फंक्शन, फंक्शन पर डिपेंड करता है. विच अलोकेट द फंक्शन नॉट डिवीजन डायरेक्ट नर्सिंग केयर इन सर्विस एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड नर्सिंग रिसर्च. परफॉर्मेंस बजट का डिपेंड करता है कि फंक्शन के ऊपर, कि फंक्शन पर डिपेंड करता है कि देर आर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स विच हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन. सो अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शन वी हैव टू प्लान फॉर द बजट. देन प्रोग्राम बजट, इन द प्रोग्राम बजट इट इज द वन वेयर कॉस्ट इज कंप्यूटेड फॉर द टोटल प्रोग्राम. जो टोटल प्रोग्राम के लिए होती है उसको कॉस्ट को हम कंप्यूट करते हैं. ठीक है, ग्रुप टू टोटल कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस प्रोग्राम, जैसे MCH, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. ठीक है, तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए बजट, प्रोग्राम जो बनाते हैं हम गांव में करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, नेशनल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, जो भी है, उनके लिए बजट तैयार किया जाता है. जो प्रोग्राम है उसके लिए हम कहते हैं उसको प्रोग्राम बजट. प्रोडक्शन बजट मींस इट इज अ बजट दैट एम एट सिक्योरिंग द इकोनॉमिकल मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट एंड मैक्सिमाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन फैसिलिटीज. सो हियर इट इज अ बजट दैट एम एट सिक्योरिंग द इकोनॉमिकल मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट. जो इकोनॉमिकल मैन्युफैक्चर होता है किसी भी प्रोडक्ट का, उसको सिक्योर करना. ठीक है, मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन फैसिलिटी. सो हियर रेवेन्यू एंड एक्सपेंस बजट इट इज द एक्सप्रेशन इन द फाइनेंशियल टर्म एंड टेक्स द नेचर ऑफ द परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट फॉर द फ्यूचर. फ्यूचर के लिए परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट का एक परफॉर्मा होता है, वो तैयार किया जाता है. ठीक है, सो फाइनेंस जो एक प्रकार से फाइनेंशियल टर्म के रूप में होता है, जिसको जिसमें एक प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट होती है जो तैयार की जाती है, जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस को दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, जिसको कहते हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंस बजट. कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट के अंदर इट इज प्रिपेयर्ड फॉर एश्योरिंग प्लान टाइमली कैपिटल इन्वेस्टमेंट द बिजनेस टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल एट राइट टाइम ओवर लॉन्गर पीरियड. मतलब लंबे समय तक, एक समय अच्छे टाइम पर, एक लंबे समय में अच्छे टाइम पर अवेलेबिलिटी होती है, कि जिसके अंदर बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को प्लान्ड करते हैं, टाइमली एश्योर करते हैं और उसको तैयार करते हैं, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट कहते हैं. जीरो बेस्ड बजट का मतलब होता है इट रिक्वायर द नर्स मैनेजर्स टू एग्जामिन एंड जस्टिफाई ईच कॉस्ट ऑफ एवरी प्रोग्राम बोथ ओल्ड एंड न्यू इन एवरी एनुअल बजट प्रिपरेशन. एवरी एनुअल बजट के अंदर क्या करते हैं कि जो ओल्ड और न्यू होता है दोनों, प्रत्येक प्रोग्राम के अंदर, ईच प्रोग्राम के अंदर उसको एग्जामिन करना, नर्स के मैनेजर के द्वारा एग्जामिन करना और जस्टिफाई करना, जिसके बाद उसका जीरो बेस्ड बजट तैयार करना. सनसेट बजट मीन्स इट इज डिजाइन टू सेल्फ डिस्ट्रिक्ट विद इन ए प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड टू इंश्योर द सजेशन ऑफ स्पेंट इन बाय प्रीडिटरमाइंड डेट. सनसेट मीन्स सनसेट की तरह होता है सेल्फ डिस्ट्रिक्ट. सेल्फ डिस्ट्रिक्ट होता है विद इन ए प्रिस्क्राइब्ड टाइम, एक टाइम होता है फिक्स जहां पर उसको कम होना है, ज्यादा होना है, डिपेंड करना है उस पर, उसके हिसाब से तो तैयार कर. सेल्स बजट मींस क्या होता है, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट इन ए बजटरी प्रोग्राम. सिंस सेल आर बेसिक एक्टिविटीज विच गिव सेव आउट टू ऑल अदर एक्टिविटीज, सेल्स बजट इज कंपाइल्ड इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी एज वेल एज वैल्यू. जो सेल्स बजट होता है उसको कंपाइल्ड किया जाता है किसके साथ, क्वालिटी एज वेल एज वैल्यू के साथ. इसके अंदर ये बजटरी प्रोग्राम में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां पर बेसिक एक्टिविटीज होती हैं वो सेल्स के अंदर होती हैं, जो हर एक्टिविटीज के अंदर एक एक नक्शा तैयार करती हैं, टाइप ऑफ शेप तैयार करती हैं, जिसे उसको कंपाइल्ड करके एक क्वालिटी का और उसकी वैल्यू फॉर्म में एक बजट तैयार किया जाता है, जिसको कहते हैं सेल्स बजट. कैश बजट का मतलब होता है इट इज प्रिपेयर्ड बाय द वे ऑफ प्रोजेक्टिंग द पॉसिबल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट ओवर द बजट पीरियड. तो बजट पीरियड के दौरान जो हम किसी भी कैश रिसिप्ट या पेमेंट को हम प्रोजेक्ट करते हैं, जिसके अंदर कैश बजट तैयार किया जाता है, कितना कैश जाता है और कितना आता है उसके हिसाब से उसको कैश बजट तैयार करते हैं, कितना एक्सपेंडिचर होता है और कितना
उसके अंदर कितनी इनकम है उसका वो आंकड़ा लगा सकते हैं। सो दीज ऑल 14 टाइप ऑफ कैश बजट वी कैन सी हियर। सो हियर एसेंशियल रिक्विजिशन इन द बजट प्रिपरेशन, हियर एसेंशियल रिक्विजिशन इन द बजट प्रिपरेशन के अंदर एसेंशियल रिक्विजिशन होती है द बजट प्रिपरेशन जस्ट लाइक फोरकास्टिंग, अकाउंटिंग, लाइन ऑफ अथॉरिटी, बजट कमेटी, बिजनेस पॉलिसी, स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। देयर आर सिक्स एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द बजट बजट प्रिपरेशन, फोरकास्टिंग, अकाउंटिंग, लाइन ऑफ अथॉरिटी, बजट कमेटी, बिजनेस पॉलिसी, स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। सो फर्स्ट विल सी द फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग इज ए साउंड फोरकास्टिंग मे बी रिलेटेड टू मेकिंग द डिसीजन ऑन परचेजेस, एक्सपेंशन, एडवर्टिंग सर्विसेज, वर्किंग कैपिटल नीड्स एक्सेट्रा। सो फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि जो हम किसी भी चीज को परचेज के ऊपर किसी भी चीज को डिसीजन लेना या बजट को एक्सपांड करना या एडवर्टिंग करना, उसको मैनिपुलेट करना, वर्किंग कैपिटल नीड्स होती है उसके हिसाब से उसको डेवलप करना, तो ये जिसको कहते हैं फोरकास्टिंग करना, बजट साउंड फोरकास्टिंग होता है जिसमें डिसीजन तैयार किया होता है ऑन 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 बिहाफ ऑफ परचेजेस, एक्सपांशन, एडवर्टिंग सर्विसेज, वर्किंग कैपिटल नीड्स। अकाउंटिंग मींस इट इज नीडेड टू कंपेयर द बजट इंफॉर्मेशन विद द एक्चुअल अकम्पलिशमेंट। जो एक्चुअल अकम्पलिशमेंट होती है उसके साथ जो बजट इंफॉर्मेशन होती है उसको कंपेयर करने में आवश्यकता होती है। द कॉस्ट इंफॉर्मेशन टेल अस हाउ मच इट will cost to produce and give services. इस cost के अंदर कितनी हम production कर सकते हैं और कितनी service हम दे सकते हैं ये accounting पे depend करता है। Line of authority, budget preparation, operation, supervision, need require clearly defined line of authority. Line of authority का मतलब होता है कि इस control of a line of authority and budget should be prepared and operated and supervision should be required so that line of authority can be clearly defined. So budget committee, its budget committee can be ready and it should be prepared to receive and approve all the forecast, departmental budget, periodic reports showing comparison of the actual and budgeted income and expenditure. जो भी incoming है और expenditure होते हैं या जो भी forecasting जिनको receive करना, approve करना है उसकी वो जो होती है डिपार्टमेंटल बजट होता है, पीरियोडिक रिपोर्ट्स होती है या एक्चुअल और बजटेड इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर जो कंपैरिजन शो होता है उसको तैयार किया जाता है बजट कमेटी के द्वारा। सो इसके अंदर रिक्वेस्ट फॉर द स्पेशल स्टडीज फॉर द डेविएशन फ्रॉम द बजट एंड कंसीडर रिवीजन ऑफ द बजट टू मीट द चेंज कंडीशन। सो बिजनेस पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी क्लियरली डिफाइंड बिजनेस पॉलिसी सर्व एज ए बेसिस फॉर बजट प्रिपरेशन। बिजनेस का मतलब होता है डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर कि बिजनेस पॉलिसी है वो किस तरह की इम्प्लीमेंटेड है, किस तरह की बनी हुई है, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उनकी जो है प्रोसीजर है, उस हिसाब से बजट को प्रिपेयर करना। स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के अंदर स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग इन द सम ऑफ द फिगर वी आर गेटिंग ड्यूरिंग द बजट प्लान। सो दिस इज द एवरी ईयर वी आर प्रीवियस बजट वी आर गेटिंग द प्लान फॉर द डूइंग द थिंग्स for the favor of the nationality so that if any figure we have see to expenditure of the budget so can be taiyar jo taiyar hota hai estimate hota hai jisko statistical information kehte hain. So here so next we'll see the nurse manager role in the budgeting, we'll see in the next class here. So this is a total principle we have studied here, some of the process and types of budget we studied here already. So in continuation of the class in the next. Thank you everyone.